अभी लाइनर का लेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे? लाइनर का लेंथ हम आर्टिकल के इजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आज हमें आर्टिकल कितना इजेक्ट कराना है उसके हिसाब से हमें इजेक्शन वर्किंग उतना मिलना चाहिए। हमारा मोल्ड मोल्डिंग मशीन में जाता है तो क्लैंपिंग के लिए जो ये एरिया होता है वो एरिया हमें मिनिमम 25-30 एमएम। ये टॉप प्लेट हो गया, ये कैविटी प्लेट हो गया, ये कोर प्लेट हो गया, ये कोर बैक प्लेट या बेस प्लेट, ये हमारा लाइनर हो गया, जो भी लाइनर हो गया। इसके बाद ये इजेक्टर प्लेट, इसको वेज द्वारा बना रहे हैं, इसको आप कैमट्रेक द्वारा बनाते हैं तो आप यहाँ पे 10 का डिग्री देंगे तो इनफ है। अदरवाइज अगर आप कैम पिन से बना रहे हैं तो हमें डिग्री ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि हमें कैम पिन जितना छोटा हो सके उससे वर्किंग करें। स्लाइडर कितना वर्किंग करेगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कोर का लेंथ। स्लीव जो है वो हमारा इजेक्टर प्लेट में रहेगा और उसके पीछे हमारा इजेक्टर बैक प्लेट रहेगा। इजेक्टर प्लेट में हम स्लीव को रख के इजेक्टर बैक से उसको क्लैंप कर देंगे ताकि जब हमारा ये दोनों प्लेट, इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट, ये दोनों हमारा मूविंग रहेगा, दोनों मूव करेगा इजेक्शन के लिए, तो ये दोनों। कोर होल्डर प्लेट जो है ये प्लेट हमारा कोर को हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ MDL स्ट्राइकर डिजाइनर अली। जैसा कि आपने पार्ट वन में T6 कैविटी मोल्ड डिजाइन का पार्ट वन आपने देखा, जिसमें हमने आर्टिकल का 2D डिजाइन, 3D डिजाइन और कैसे हम पिच डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम पंच बनाते हैं, स्लीव बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने पार्ट वन वीडियो में देखा। अब हम इसके आगे पार्ट टू शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पार्ट वन देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट टू शुरू करते हैं। अभी हमने ये पीक डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करके हमने डिसाइड कर लिया है। अभी 6 कैविटी का हम मोल्ड बेस बनाएंगे और आगे का ऑपरेशन इसमें करेंगे। जैसे कि हमने सेंटर टू सेंटर 70 mm और इधर सेंटर टू सेंटर 100 mm पिच, 90 mm पिच डिस्टेंस है। तो चलिए हम इसका फ्रंट मोल्ड बेस बनाते हैं। सबसे पहले हम स्केच लेते हैं कोऑर्डिनेट के सेंटर से। ओके, हम कोर कैविटी, टॉप बॉटम, इजेक्टर, स्लाइडर, बाकी चीजें हम फ्रंट व्यू से ही बना देंगे। कोइंसिडेंट, तमाम चीज़ें हम डिसाइड जो किए हैं वो पहले ही हम पहले पार्ट्स में हमने डिसाइड कर लिया है। डिस्टेंस कितना रखना है उसके हिसाब से हम इजीली इसको बना सकते हैं। अभी ये हमारा डिस्टेंस हो गया 250 का, ये विड्थ हो गया और इसके बाद थिकनेस दे देते हैं हम 65। ये हमारा कैविटी हो गया। इसके बाद इसके ऊपर कोर टॉप प्लेट बनाते हैं सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट और इसके बाद प्लेट का थिकनेस दे देते हैं 40 mm। लेंथ हम अभी आगे डिसाइड करेंगे, लेंथ अभी हम रहने देते हैं। इसके बाद हम कोर बनाते हैं, इसका भी हम थिकनेस दे देते हैं, ये हो गया हमारा 65 mm। अब कोर प्लेट बनाते हैं, इसको हम बेस प्लेट भी बोलते हैं, कोर बैक प्लेट भी बोलते हैं। इसका हम थिकनेस दे देते हैं, इसका डायमेंशन दे देते हैं 50 mm। इसके बाद इसका भी लेंथ हम बाद में डिसाइड करेंगे, प्रोसेस के हिसाब से कितना वर्किंग कराना है उसके हिसाब से हम लेंथ इसका बाद में डिसाइड करेंगे। इसके बाद हम लाइनर बना देते हैं, इसके नीचे लाइनर और इसके बाद इजेक्टर प्लेट। इजेक्टर प्लेट का थिकनेस दे देते हैं 25, इसको सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और इसके बाद लाइनर जो है लाइनर को हम इक्वल कर लेते हैं, इक्वल लेंथ यहाँ से थिकनेस भी इक्वल कर लेते हैं और इसके बाद मेक सिमेट्रिक करते हैं ताकि दोनों साइड इक्वल रहे सेंटर लाइन से। ओके, अब लाइनर का थिकनेस दे देते हैं
लाइनर का थिकनेस 50 एम एम दे देते हैं। और इसके बाद इजेक्टर प्लेट का दे देते हैं 160। ये हम 160 कैसे डिसाइड करते हैं? अभी जैसे कि हमारा इजेक्टर प्लेट आएगा, इजेक्टर प्लेट में हमारा स्लीव भी आएगा, पंच भी आएगा, तो उसके हिसाब से तो इसको हम और बड़ा करते हैं, क्योंकि ये जो आएगा तो इसके एज बहुत कम मिलेगा, इसको हम 180 कर देते हैं। और इसके बाद लाइनर और इजेक्टर प्लेट के बीच में 5 mm का डिस्टेंस देते हैं, 5 mm, और लाइनर का लेंथ दे देते हैं 125। अभी लाइनर का लेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे? लाइनर का लेंथ हम आर्टिकल के इजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आज हमें आर्टिकल कितना इजेक्ट कराना है उसके हिसाब से हमें इजेक्शन वर्किंग उतना मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि कोर में हमारा आर्टिकल कितना mm रहेगा, अगर यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमें इजेक्ट होने के लिए 48, मतलब 50 mm तक आपको आर्टिकल को वर्किंग कराना है। तो हमारा इजेक्टर प्लेट तीन रहेगा, तीन इजेक्टर प्लेट रहेगा, तो पहले वर्किंग हमें 50 mm चाहिए। इसके बाद प्लस तीन इजेक्टर प्लेट है, एक इजेक्टर प्लेट का थिकनेस 25 mm है, तीन का हो जाएगा 75, टोटल हो जाएगा हमारा 125। तो इससे प्लस ही हमें लेना है, कम नहीं लेना है इजेक्शन वर्किंग, तो इसको हम यहाँ देते हैं 140। एक इजेक्टर प्लेट हो गया, इजेक्टर प्लेट एक और, इसके बाद एक और, इसके बाद तीनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा और तीनों का विड्थ भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अभी भी हमारा दो स्केच फुली कॉन्स्टेंट नहीं है, दो ऑटो डायमेंशन दिखा रहा है, तो ये हमारा एक कोर का दिखा रहा है, कोर हमारा प्लस माइनस हो जाएगा और एक टॉप हमारा प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों को हम आगे देखते हैं। अभी हमारा इजेक्टर प्लेट हो गया, ये हमारा इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, और तीसरा है कोर होल्डर प्लेट, जो हमारा ये लॉन्ग पंच है, लॉन्ग कोर, उसको ये होल्ड करके रखे हैं, क्योंकि ये हमारा फिक्स पंच है, ये होल्ड करके रखेगा। इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट, ये दोनों हमारा मूवमेंट में रहेगा, वर्किंग रहेगा, इसके द्वारा ही स्लीव इजेक्टर प्लेट में रहेगा, वो वर्किंग करेगा। जब यहाँ पे 50 mm वर्किंग करेगा तो ये हमारा गैप यहाँ पे 50 mm, मिनिमम 50 mm होना चाहिए, अभी 65 mm है, इनफ है। इजेक्ट होने के लिए 50 mm चाहिए, लेकिन हमें 5 से 10 mm तक प्लस भी लेके चलना है, तो टोटल यहाँ पे गैप जो दिखना चाहिए वो 65 mm है, ओके है। 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, जितना हमें रिक्वायरमेंट है इजेक्शन के लिए उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें हमें स्प्रिंग का कैलकुलेशन भी डालना है। तो एक राउंड फिगर साइज जो लाइनर का है, लाइनर का लेंथ जो डिसाइड होता है वो आर्टिकल के इजेक्शन पे डिसाइड होता है। इसके बाद हम इधर नीचे बॉटम प्लेट बना लेते हैं, सेंटर टू सेंटर इसको कॉन्स्टेंट कर देते हैं, और इसका थिकनेस 40 mm, ओके। और इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ हम यहाँ से इसका लेंथ हम दे देते हैं 500 450। इसका लेंथ हम 400 दे देते हैं, और लाइनर से ये मिनिमम 35 mm तक मिनिमम निकलना चाहिए, 35 या 30 तक। वो वैसा क्यों निकालते हैं हम? क्लैंपिंग के लिए, जब हमारा मोल्ड मोल्डिंग मशीन में जाता है तो क्लैंपिंग के लिए जो ये एरिया होता है वो एरिया हमें मिनिमम 25-30 mm तक होना चाहिए। तो आप एक राउंड फिगर 400 या 350 भी रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे हम 350 भी अगर रखते हैं तो फिर भी हमें 30 mm तक मिलना चाहिए, 30 mm मिल रहा है। तो हमारा ये बॉटम का लेंथ डिसाइड हो गया। इसके बाद अब बच गया कोर का, और इसके बाद टॉप का। तो हमारा ये टॉप प्लेट हो गया, ये कैविटी प्लेट हो गया, ये कोर प्लेट हो गया, ये कोर बैक प्लेट या बेस प्लेट, ये हमारा लाइनर हो गया, ये जो भी लाइनर हो गया। इसके बाद ये इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, इसके बाद कोर होल्डर प्लेट, और सबसे लास्ट में बॉटम प्लेट। ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम बनाते हैं मूविंग कोर। यहाँ से हम देते हैं 60 mm, इसके बाद 20 mm,
इसके बाद हम डिग्री देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम इसका लेंथ डिसाइड कर लेते हैं, हाइट कितना है, हाइट हम देते हैं यहाँ पे 115 115। और इसके बाद जो डिग्री है वो डिग्री हम देंगे मिनिमम 10 mm का डिग्री रहता है, 10 से लेके, अगर आप इसको वेज द्वारा बना रहे हैं, इसको आप कैम ट्रैक द्वारा बनाते हैं तो आप यहाँ पे 10 का डिग्री देंगे तो इनफ है, अदरवाइज अगर आप कैम पिन से बना रहे हैं तो हमें डिग्री ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि हमें कैम पिन जितना छोटा हो सके उससे वर्किंग कराने के लिए डिग्री हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे कैम ट्रैक मोड बना रहे हैं तो हम डिग्री 10 का देते हैं, ये हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्लाइडर, हो गया मूविंग कोर भी इसको बोलते हैं। इसके बाद हम वेज बनाते हैं, वेज का डिग्री और मूविंग कोर का डिग्री दोनों का सेम रहेगा, तो इन दोनों को आप कोलिनियर कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम इसका भी हाइट मेंटेन कर लेंगे, ये हाइट हम 100 देते हैं, ओके। इसके बाद इसका विड्थ भी देंगे, तो विड्थ हमारा यहाँ से यहाँ डिसाइड कर लेंगे, विड्थ इसका हो गया हमारा 50 50 या 60 देते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग के लिए। इसके बाद इसको टॉप प्लेट में हम कपलिंग करते हैं, तो यहाँ से हम टॉप प्लेट में इसको कपलिंग दे सकते हैं, ये हाइट हम दे देंगे 20 mm और ये दे देंगे टोटल 60 है तो इसको हम हाफ 30 mm दे देंगे, हमारा टोटल विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 60 mm है तो उसका आधा हम 30 mm दे देंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे जो टॉप प्लेट है उसका लेंथ जो है अभी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, अभी टोटल कितना लेंथ चाहिए, अभी इसका हम लेंथ देते हैं 520 520। क्यों? क्योंकि वेज के बाद हमारा यहाँ पे वापस से क्लाइंपिंग के लिए 30 mm तक बचना चाहिए, अभी 31 है आ रहा है तो 30 mm मिनिमम 25 30 mm तक आना चाहिए, इसके हिसाब से हम इसका लेंथ रखते हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों साइड हमारा क्लाइंपिंग होता है, जब मोल्ड हमारा मोल्डिंग मशीन में लगेगा दोनों साइड हमें क्लैंपिंग के लिए एरिया चाहिए ताकि हम मोल्ड को क्लैंप कर सकें। तो इसका हमारा लेंथ डिसाइड हो गया, अब इसके बाद कोर का लेंथ डिसाइड करने के लिए हम वर्किंग स्लाइडर कितना वर्किंग करेगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कोर का लेंथ। अभी आप यहाँ से चेक करेंगे आर्टिकल यहाँ से इसका सेंटर, क्योंकि इतना हमें इसके सेंटर में आएंगे, आप यहाँ से मेजर डिस्टेंस कर लेंगे कितना वर्किंग कराना है, ये सेंटर से आर्टिकल का सेंटर अगर हम देखेंगे तो 48 लगभग 50 mm है, 10 mm और हमें प्लस पकड़ना पड़ेगा क्योंकि पंच हमें आर्टिकल से बाहर आने के लिए टोटल 60 mm और इसके बाद ये मूविंग कोर जो है ये 60 mm मूविंग कोर और 60 mm आर्टिकल इजेक्शन टोटल 120। तो इसके बाद हमें 60 mm वर्किंग करना है, तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे इसका लेंथ तो 120 और यहाँ से अगर चेक करेंगे तो यहाँ से कम 60 mm आपको देना पड़ेगा, ताकि मूविंग कोर हमारा 60 mm जब इधर वर्किंग करेगा पंच के साथ तो 60 mm उसको स्पेस मिले ताकि वो वर्किंग कर सके। तो ये हमारा इसका लेंथ डिसाइड हो जाएगा, जैसे अभी इसका लेंथ हो गया 490, इसको हम राउंड फिगर कर देंगे, 490 है तो इसको हम यहाँ से डिलीट करके और इसको हम दे देंगे यहाँ पे 500। तो अभी हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 65 mm आपको वर्किंग मिल गया, तो ये राउंड फिगर हो गया। अभी दो हमारा ऑटो डायरेक्शन दिखा, अभी हम चेक करेंगे कहाँ पे दो दिखा रहा है, ये पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्टेंस दे देंगे और इसके बाद इसको पंचिडेट। अब ये तमाम चीजों को हम इस साइड दोनों साइड हमारा मूविंग कोर दोनों साइड आएगा इसको हम मिरर करते हैं,
सेंटर लाइन से मेयर कर देंगे। अब यहाँ पे फिनिश स्केच करके आप देखेंगे तो आपको बराबर दिखेगा। ये हमारा टॉप प्लेट हो गया, टॉप प्लेट। इसके बाद ये हमारा कैविटी प्लेट हो गया, ये हमारा कोर प्लेट हो गया। इसके बाद कोर बैक प्लेट, लाइनर, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, कोर होल्डर प्लेट, बॉटम प्लेट। ये हमारा मूविंग कोर, स्लाइडर, और ये हमारा हो गया वेज। इसको हम अब 3D करेंगे। ये हमारा 2D हो गया, 2D में इसका हम मोल्ड बेस बना लिए। अभी हमने जब फर्स्ट वीडियो में ये स्लीव और जो लॉन्ग कोर है इसका हमने हाइट मेंटेन नहीं किया था, हाइट कितना चाहिए वो हमने हाइट नहीं दिया था, रैंडम हमने बना दिया था। अभी हम यहाँ पे हाइट इसका मेंटेन कर देते हैं। तो हमारा कोर लॉन्ग कोर जो है वो हमारा लॉन्ग कोर जो है लॉन्ग कोर प्लेट में आएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस जो है इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करके कॉपी कर लेते हैं। और इसके बाद इसको हम मूव कर लेंगे, यहाँ से टोटल को हम मूव कर लेते हैं, टोटल फेस को। तो लॉन्ग कोर जो है हमारा लॉन्ग कोर, ये कोर प्लेट है, कोर होल्डर प्लेट। तो ये प्लेट के हमारा टॉप तक आ गया। इसके बाद हम स्लीव का भी हाइट मेंटेन कर लेते हैं। तो स्लीव प्लेट जो है हमारा इजेक्टर प्लेट तक रहेगा। तो ये इजेक्टर प्लेट तो स्लीव हो गया, स्लीव के बाद ये इजेक्टर प्लेट हो गया। तो इसको भी हम मूव कर लेंगे 3 mm। बेसिकली आपको बस समझना है कि ये स्लीव जो है वो हमारा इजेक्टर प्लेट में रहेगा और उसके पीछे हमारा इजेक्टर बैक प्लेट रहेगा। इजेक्टर प्लेट में हम स्लीव को रख के इजेक्टर बैक से उसको क्लैंप कर देंगे ताकि जब हमारा ये दोनों प्लेट, इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट, ये दोनों हमारा मूविंग रहेगा, दोनों मूव करेगा इजेक्शन के लिए। तो ये दोनों, और कोर होल्डर प्लेट जो है ये प्लेट हमारा कोर को, लॉन्ग कोर जो है उसको कैच करके पकड़ के रखेगा। और ये जो लॉन्ग कोर है ये हमारा बॉटम प्लेट से बोल्टिंग रहेगा, बॉटम प्लेट से ये बोल्टिंग रहेगा ताकि ये हमारा बराबर रहे और ये कोर प्लेट, इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट हमारा वर्किंग कर सके। अभी हम इसका 3D बनाते हैं। अभी 2D मोल्ड बेस हमने क्रिएट कर दिया फ्रंट साइड का, तो हम इसका टॉप साइड का भी, टॉप साइड से भी इसको हम बनाते हैं। अभी ये हमारा फ्रंट साइड मोल्ड बेस, अब हम इसको फ्रंट साइड टॉप साइड से बनाते हैं। स्केच और वापस से सेंटर प्लेन XY और ओके। स्केच XY प्लेन ओके। अब XY प्लेन में भी हम कोर कैविटी का अब लेंथ डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमने वहाँ पे कोर कैविटी का थिकनेस और विड्थ उसका डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसका लेंथ डिसाइड करेंगे कि कितना कोर कैविटी का लेंथ रखना है। अब दोनों साइड सेंटर टू सेंटर इसको अलाइनमेंट कर दिए। और इसके बाद जो हमारा विड्थ था, जब हम विड्थ बनाए उसका 250 था, तो यहाँ पे हमने 250 विड्थ दे दिए, तो हमारा ये टच हो गया इसे ओके। अब लेंथ देना है तो लेंथ हम इसका भी राउंड फिगर लेंथ देंगे। लेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमको हमारा क्या क्या ऑपरेशन इसमें आएगा वो सब तमाम चीज़ों को डाल के इसके बाद हम इसका लेंथ डिसाइड करेंगे। तो पहले इसमें हम गाइड पिन हम इसमें ऐड करते हैं, 4 गाइड पिन हो गया। ये चारों को हम एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइनमेंट देते हैं। सेंटर टू सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट, सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसके बाद जब इसका हम, अभी तो ये हमारा बोरिंग डायमीटर हो गया, इसके बाद इसका कॉलर डायमीटर 38। ओके, और इसके बाद इसका पिन मेल जो आएगा वो आएगा हमारा 26। गाइड पिन हम क्रिएट कर रहे हैं, जब 3D बनाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा इसका प्रोसेस। अब हम
यहाँ पे जो बोरिंग डायमीटर है 32 का, इसको एज टू एज हम यहाँ पे कम से कम 10 से 12 mm, मिनिमम 10 mm तक रखते हैं। यहाँ पे हम 12 mm रखते हैं, 10 से कम नहीं होना चाहिए। एज टू एज हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका नहीं कर रहे हैं, हम एज जो बोरिंग डायमीटर है हमारा 32 का, वो एज टू एज जो है हमारा मिनिमम 10 mm होना चाहिए। तो हमने 12 mm रखते हैं। इसी तरह सबको हम यहाँ पे अलाइनमेंट कर देते हैं, एज टू एज 12 mm, एज टू एज 12 mm। अभी भी हमारा स्केच 1/2 डायमेंशन दिखा रहा है, इसका मतलब कोई एक और हमारा वर्किंग है। अच्छा ओके, इसका हमें लेंथ डिसाइड करना है। अभी हमारे कैविटी में ऑपरेशन में गाइड पिन आ गया, दूसरा इसमें हमारा आएगा इजेक्टर प्लेट में रिटेन पिन आता है, इजेक्टर पिन का रिटेन पिन आएगा, और उसमें इसके बाद हमारा आएगा इंटरलॉक भी आएगा। तो इंटरलॉक हम सेंटर में 32 का इंटरलॉक देते हैं दोनों साइड। गाइड पिन हमारे पूरे मोल्ड बेस को गाइड करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए, कोर कैविटी दोनों को अलाइनमेंट करने के लिए हम गाइड पिन प्रोवाइड कराते हैं। और इंटरलॉक हम क्या करते हैं, इंटरलॉक जो है हमारे आर्टिकल को अलाइनमेंट देता है, ताकि हमारा शिफ्टिंग का प्रॉब्लम ना आए। पार्टी लाइन जो हमारे पार्ट्स में, क्योंकि कोई भी डाई जो है हमारा दो पार्ट्स में होता है, जैसे यही हम आर्टिकल बनाते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में बनाते हैं, एक पार्ट्स में आधा, एक कैविटी में आधा पार्ट्स रहता है, एक कोर में आधा पार्ट्स रहता है। दोनों को जब हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो उसका पार्टी लाइन जो है वो शिफ्ट ना हो, इसके लिए हम इसमें इंटरलॉक प्रोवाइड कराते हैं। और मोल्ड बेस को अलाइनमेंट करने के लिए गाइड पिन डालते हैं। तो यहां से हम इसका डिस्टेंस दे देंगे 150, इसके बाद अब हम देखेंगे तो इसका हम डिस्टेंस यहां पे दे सकते हैं 400 है, 350 अगर देखेंगे 350, इसको 150 से हम 140, ये चीजें हो गई। हमारा गाइड पिन भी आ गया, इसमें इंटरलॉक भी आ गया, और यहाँ पे हमारा रिटेन पिन आ जाएगा, और बाकी चीजें जो रहेंगी रनर हमारा आ जाएगा, और तमाम चीजें आ जाएंगी। तो हमारा लॉक होता है, ये कोर कैविटी का जो लेंथ है वो 350। इसके बाद इसको करते हैं ओके। अब इसका हम 3D बनाते हैं। अब हम इसका 3D बनाते हैं। सबसे पहले हम टॉप प्लेट, फिर कोर कैविटी, फिर कोर बैग, लाइनर, इजेक्टर और बॉटम, ये सब का हम 3D बनाते हैं। यहाँ से एक्सट्रूड कनेक्टेड कर्व्स स्केच सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसका हम डिस्टेंस देते हैं, यहाँ से हम बुलियन ऑप्शन जो है इसको नन कर देते हैं, और इसके बाद कितना इसको डिस्टेंस देना है वो हम डिसाइड करेंगे। अभी हमने स्केच कैविटी का लिया 350, लेंथ जो है 350 लिए, तो दोनों साइड 25 25 mm क्लैंपिंग डालेंगे, तो हमारा हो जाएगा 400, वन साइड 400, टोटल 400, वन साइड हो गया आपका 200, और इसको हम कर देंगे यहाँ से सिमेट्रिक। ये हमारा हो गया टॉप प्लेट। अगर आप ऐसा देखेंगे तो ये हमारा जो कैविटी कोर इंसर्ट है, इंसर्ट से हमारा इधर 25 mm क्लैंपिंग के लिए रहेगा। ये हमारा क्लैंपिंग एरिया 25। ओके, ऐसे ही हमारा टॉप प्लेट हो गया। अब इसको हम कैविटी प्लेट बनाते हैं। कैविटी प्लेट का स्केच हम सेलेक्ट करते हैं यहां से, और इसका डिस्टेंस हम देते हैं 350 था तो 175, 350 का हाफ, और यहां से हम सिमेट्रिक वैल्यू ओके। ये हमारा हो गया कैविटी प्लेट। ऐसे ही हम सेम इसको कोर प्लेट बनाते हैं। कोर प्लेट का स्केच इसको भी सेम हम यहां से सिमेट्रिक वैल्यू देते हैं। ये हमारा हो गया कोर प्लेट, टॉप प्लेट, कैविटी प्लेट, कोर प्लेट। इसके बाद ये कोर बैक प्लेट, इसको हम देते हैं, इसको भी सेम वैल्यू। ये हमारा हो गया
4 प्लेट। इसके बाद लाइनर, दोनों लाइनर लेते हैं, इसको भी हम देते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक वैल्यू। ये हमारा हो गया लाइनर। इसके बाद इजेक्टर प्लेट, इसको भी हम देते हैं सेम वैल्यू सिमेट्रिक। इजेक्टर बैक प्लेट, इसको भी सिमेट्रिक वैल्यू। कोर, ये बॉटम प्लेट, अब बॉटम प्लेट से कोर होल्डर प्लेट करते हैं, कोर होल्डर प्लेट, ये भी सेम वैल्यू सिमेट्रिक। इसके बाद अब बच गया बॉटम प्लेट। बॉटम प्लेट को वापस हम यहाँ पे 200 देंगे, क्योंकि वापस से इसमें क्लैंपिंग करना है। ये हमारा हो गया सिमेट्रिक वैल्यू। ये हमारा मोल्ड बेस का 3D क्रिएट किए। अभी इसमें हम स्लाइडर भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको स्टॉप एंड एट इंटरसेक्शन कर देंगे, ताकि जो चाहिए हमें वही सिलेक्ट हो पाए। अब इसका डिस्टेंस हम डिसाइड करेंगे कि इसको कितना एमएम डिस्टेंस देना है। जैसा कि हमारा मूविंग कोर में हमारा साइड कोर जो है, साइड कोर इसमें आएगा, फिक्स रहेगा, तो उसके हिसाब से हम इसका डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम वायर फ्रेम करके देख लेंगे। ये हमारा मूविंग कोर का कॉलर जो है यहाँ तक आता है, तो इससे 15 से 20 एमएम एज कम से कम आना चाहिए। तो एक राउंड फिगर साइज यहाँ पे हम 110 ले लेते हैं, 110। और इसके बाद इसका हम सिमेट्रिक कर देते हैं। ये हो गया, ये हमारा हो गया मूविंग कोर। इसके बाद वेज, वेज भी सेम। इसको भी हम यहाँ से सिमेट्रिक वैल्यू, ओके। तो हमारा वेज और मूविंग कोर दोनों रेडी हो गया। इसको हम मिरर कर देते हैं, यहाँ से मिरर ज्योमेट्री, ओके। लगभग जितना हमने स्केच बनाया था उसके हिसाब से हमने मूविंग कोर, वेज, कोर कैविटी, टॉप बॉटम तमाम चीज हमने बना लिए। अब इसमें हमारा जो डॉगलेग आएगा, कैमट्रैक आएगा, उसका हम लास्ट में बनाएंगे। हमारा कैमट्रैक यहाँ पे आएगा मूविंग कोर को वर्किंग के लिए, तो हम लास्ट में बनाएंगे। अभी इसको हम सेक्शन करके देखेंगे तो कंप्लीट दिखाई देगा। ये हमारा लॉन्ग कोर जो है, ये कोर होल्डर प्लेट में, स्लीव इजेक्टर प्लेट में, और कोर कैविटी में हाफ हाफ। उसके बाद वेज जो है, वेज में हम एक क्लैंपिंग के लिए एक और बना देते हैं। इसमें यहाँ पे हम मिरर बाद में करते हैं, मिरर अभी जो हमने ये वेज और मूविंग कोर को मिरर किया उसको हम अभी मिरर नहीं करते हैं। पहले जितना भी ऑपरेशन इसमें होने वाले हैं, एक में ऑपरेशन करके इसके बाद उसको हम बना लेते हैं। यहाँ से हम स्प्लिट बॉडी करते हैं, और ये फेस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 0 डिस्टेंस, ओके। ये हमारा दो भाग में स्प्लिट हो गया। इसके बाद इसको 15-15 एमएम माइनस करते हैं। अब इसको हम वापस से यूनाइट कर देते हैं, ओके। ये हमारा वेज हो गया। अब हम इसमें गाइड रेल और इसमें हम गाइड रेल बनाते हैं। हम स्केच लेते हैं ये फेस पे, ओके। और इसके बाद ये कोर बैक है, कोर बैक में हम 10 mm स्लॉट मार के इसमें हम लॉक करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम दे देते हैं 30 mm, ओके। और इसके बाद इसके अंदर और ऐसे में भी 15 mm, और टोटल हाइट यहाँ पे हम देते हैं 40।
ये हो गया हमारा ओके। ये 50 mm नब देके हम 10 mm लिख देते हैं ओके। और यहाँ पे हम कर देंगे फिनिश स्केच। ये हमारा गाइड रेल हो जाएगा, इसको हम बनाते हैं गाइड रेल। यहाँ पे हम अनटिल एक्सटेंड देते हैं ये फेस तक ओके। इसको इसको हम मिरर कर देते हैं, मिरर ज्योमेट्री बॉडी, इसके बाद सेंटर प्लेन। ये दोनों साइड हो गया। अब जैसा कि हम टॉप प्लेट हटाए थे, वेज हटाए थे, मूविंग कोर में से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अभी देखेंगे आप तो मूविंग कोर में हमारा स्लॉट रहेगा, इसी स्लॉट में हमारा वर्किंग करेगा इसी स्लॉट। ये हमें अलाइनमेंट के लिए गाइडल देते हैं कि इसी गाइड में, गाइडल में ये वर्किंग करे। यहाँ पे हम सॉलिड बॉडी को एक कलर कोडिंग के थ्रू इसको कैटेगराइज कर देते हैं, कंट्रोल जे, और यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट, इसको व्हाइट कलर दे देंगे। गाइड रेल इसको ऑरेंज कलर ओके। अब हम गाइड रेल को यहाँ पे हम मिरर ज्योमेट्री, ये सब चीजों को हम मिरर कर लेते हैं। 1 मिनट जो हाइट है इसको हाइट, ये वेज जो है वेज इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इससे थोड़ा सा ऊपर ही रहना चाहिए, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे हाइट कम कर देते हैं 35 कर देते हैं। तो हमारा गैप, यहाँ पे गैप मेंटेन होना चाहिए ताकि जब हमारा कोर कैविटी बंद हो तो यहाँ पे गैप मिले, ये हम स्टॉप ना करें। इसके बाद हम इसको मिरर करते हैं, चारों बॉडी को हम सेंटर से मिरर कर देते हैं ओके। ये हमारा मोल्ड बेस लगभग लगभग रेडी है। अब इसके अंदर जो जो भी ऑपरेशन आने वाले हैं उस पर हम काम करते हैं। सबसे पहले हम कैविटी में काम करते हैं। ये हमारा है कैविटी प्लेट, इसको हम यहाँ पे इसको शेडेड ट्रांसपेरेंसी डाल देते हैं। इसके बाद इसको हम इधर कलर करते हैं। ये हमारा पूरा फेस जो है, फेस हमारा बैरिंग में रहेगा, ये फेस को हम बैरिंग का कलर कॉर्नफ्लावर ओके। इसके बाद इसमें से हम आर्टिकल और पंच को सब्सट्रैक्ट करते हैं। जो जो चीज़ें इसमें आने वाली हैं उसको हम इसमें सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ पे गाइड पिन बूस बना लेते हैं। ये जो स्केच है, स्केच हमने बनाया था उसके हिसाब से हम गाइड पिन बूस यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा कैविटी है, कैविटी में हम बूस रखते हैं। 32 का जो डाया है वो डाया को हमने लिया है यहाँ पे, और ये फेस तक अंटिल एक्सटेंडेड, ये फेस तक हम इसको ओके। इसी तरह एक बन गया, एक बना के हम चारों में उसको मिरर कर सकते हैं। इसके बाद इधर से हम इसको कॉलर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 8 mm कॉलर, और यहाँ पे कॉलर का डाया 3 mm प्लस, ये हो गया। इसके बाद ये हमारा बूस रहेगा, गाइड बूस, हम गाइड पिन भी बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे 65 mm है थिकनेस, तो 65 mm का ये हो गया ओके। इसके बाद इसका भी हम कॉलर बना लेते हैं,
8 mm और यहाँ पे हम 3 mm का और यहाँ पे यूनाइट। ओके, इसके बाद ये बुश बनाया है कैविटी साइड वाला, इसको हाइड करते हैं और गाइड पिन का मेल बनाते हैं और ये हमारा हो जाएगा 75 रखते हैं फिलहाल और इसको इसमें ये फेस में यूनाइट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम चैम्फर टाइप में दे देते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 15 का डिग्री दे देते हैं। ये हमारा गाइड पिन हो गया, कंट्रोल जे करके इसको हम कलर दे देते हैं, कलर दे दिए। अब इसमें एक चीज़ और, हम प्लेट अलाइनमेंट के लिए ये हमारा कैविटी प्लेट कोर प्लेट में गाइड पिन रहेगा, लेकिन जो कोर प्लेट है कोर प्लेट को भी हम गाइड करते हैं, गाइड करने के लिए ये कोर बैक प्लेट जो है इस प्लेट में हमें गाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम डॉल मार के गाइड करेंगे, अदरवाइज हम इसमें जो ये गाइड पिन बनाया है उसी का कॉलर जो है कॉलर लेंथ प्लस करके इसमें हम स्लॉट मार सकते हैं। तो चलिए उसको हम बना लेते हैं गाइड पिन को, ये फेस से हम 20 mm इसको हम इसमें यूनाइट कर लेते हैं। अब ये फेस जो है ये 12 mm, ये 12 mm जो है ये हमारा कोर प्लेट में गाइड रहेगा, ये कोर प्लेट में हमारा गाइड रहेगा। जैसे देखेंगे आप तो ये हमारा गाइड रहेगा कोर प्लेट। इसी तरह हम जो बुश बनाए हैं बुश को भी हम कैविटी प्लेट में गाइड करेंगे, जैसे कि ये हमारा बुश है बुश को भी हम कलर दे देते हैं। ओके, और इसको भी हम हमारा बुश हो गया। अभी हम सिर्फ ये दोनों को रखते हैं गाइड पिन और गाइड बुश, और गाइड बुश में से गाइड पिन को हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसके बाद गाइड बुश को ओपन कर लेंगे। ये हमारा गाइड बुश हो गया। ये हमारा गाइड पिन और गाइड बुश हो। अब इसको हम मिरर कर लेते हैं और मिरर करके प्लेट से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसको हम मिरर ज्योमेट्री गाइड पिन गाइड बुश इसको हम वाई जेड से मिरर कर देते हैं, इसके बाद हम एक्स जेड से इसको मिरर कर देंगे। ओके, अभी हमारा कैविटी प्लेट है, कैविटी प्लेट में से बुश को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से चारों को यहाँ पे जब भी आप बॉक्स बना के सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उतना ही है, उससे ज़्यादा है तो कुछ मिसिंग, कुछ गड़बड़, कुछ अनर दूसरी चीज़ भी सिलेक्ट हो गई है, तो इससे आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कितना सिलेक्ट हुआ है, चार चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो हमें चार चीज़ बुश सिलेक्ट हुआ है, इसको हम कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम कीप टूल रखेंगे क्योंकि हमें गाइड बुश चाहिए, अगर कीप टूल हटा देंगे तो जो टूल है वो हमारा गायब हो जाएगा, लेकिन हमें टूल चाहिए तो कीप टूल रखेंगे। इसके बाद अभी आप सिट प्लेट को देखेंगे तो हमारा गाइड बुश का होल बोरिंग होल हो गया है, इसको हम कलर दे देते हैं, बोरिंग एरिया का कलर हम मजेंटा कलर देंगे। ये हमारा बोरिंग एरिया है 32 का, इसको हम यहाँ पे मजेंटा कलर दे देते हैं और जो हमारा बैरिंग एरिया यहाँ पे गाइड बुश हमारा आके स्टॉप होगा उसको हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर कलर दे देते हैं।
अब इसके बाद हम इसको कलर कोडिंग कर दिए। अब इसमें हम आर्टिकल को सब्सट्रैक्ट करते हैं, आर्टिकल पंच जो भी इसका फंक्शन है सबको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें 8 6 आर्टिकल है और 6 6 12 12 5 टोटल 18 18 टूल हमारा सब्सट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे 18 टूल सब्सट्रैक्ट हो रहा है, कीप टूल ओके। इसके बाद हम सिर्फ कैविटी प्लेट को रखते हैं, ये हमारा कोर कैविटी, कैविटी में से आर्टिकल सब्सट्रैक्ट हो गया। अब इसमें हमारा कौन सा एरिया आर्टिकल्स एरिया है, कौन सा बैरिंग एरिया है, वो सब चीज़ों का हम कलर कोडिंग यहाँ से करके डिसाइड कर सकते हैं। ये फेस जो है, ये फेस हमारा बैरिंग है, बैरिंग फेस है ये फेस, और इसके बाद ये इस पर हमारा पंच बैरिंग होगा, तो ये फेस को हम 6 6 12 इसको हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, कॉर्न फ्लावर कलर बैरिंग एरिया। इसके बाद आर्टिकल एरिया ये हमारा हो गया, ये हमारा आर्टिकल एरिया। ये हमारा आर्टिकल सेलेक्ट हो गया, इसको हम कलर दे देते हैं डीप गोल्ड, यहाँ से डीप गोल्ड कलर दे देंगे ओके। इसके बाद हमारा पंच बैरिंग एरिया, ये हमारा पंच बैरिंग एरिया है, इसको हम रेड कलर दे देते हैं। ये हमारा कैविटी रेडी हो गया। अभी आप देखेंगे ये हमारा कैविटी रेडी हो गया। ये कलर हमारा एक्चुअली बोरिंग करना है, ये हमारा जैसे बोरिंग फेस है, इसको हम बोरिंग का मजेंटा कलर दे देते हैं क्योंकि हमारा बोरिंग एरिया है, इसको हम बोर करेंगे। ये हमारा कैविटी रेडी हो गया। अब इसमें हमने गाइड पिन का दे दिया, अभी हमारा इंटरलॉक बचा हुआ है, तो इंटरलॉक हम दे देते हैं यहाँ से। ये जो हम इंटरलॉक बनाए थे 32 का, इसका हम बनाए 32, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, और इसका डीप जो है 36, यहाँ से हम करते हैं सिमेट्रिक वैल्यू ओके नन ओके। इसके बाद हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैविटी में से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये फेस से ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं कीप को। इसके बाद इसका भी हम, ये हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आपका इंटरलॉक आता है, ये हमारा 32 का बोरिंग रहेगा, इसको हम मजेंटा कलर। इसके बाद वापस से ये फेस को हम कॉर्न फ्लावर कलर, स्टेप बाय स्टेप हम ऑपरेशन और इसके बाद उसको कलर कोडिंग करते चलेंगे, तो बाद में हमें चीज़ें क्लियर होती जाएगी। इसके बाद इसको, इसका जो 32 का बोरिंग का इंटरलॉक है उसमें हमारा स्टैंडर्ड बोल्ट आता है 10 का, पीछे से हम उसको बोल्टिंग कर देंगे। ये इन हाउस भी बनता है, बट ये रेडीमेड आता है स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से 10 का इसमें हम बोल्टिंग कर देंगे। यहाँ से होल में जाके आप 10 का यहाँ से, यहाँ पे आप काउंटर 10 का हमारा ये बोल्टिंग, और ये बोल्टिंग का जो ये जो हम बैरिंग कॉर्न फ्लावर कलर ओके। तो लगभग लगभग हमारा कैविटी 50% रेडी हो गया। अभी 50% रेडी हुआ है क्यों, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी इसमें हमें रनर रनर मारना है, रनर करना है, इसके बाद एयर लाइन आएगा, इसमें पीछे हमारा कूलिंग आएगा, ये फेस पे कूलिंग, फिर इसके बाद इसका बोल्टिंग, ये सब तमाम चीज़ें आएंगी। तो अभी हम इसको हाफ इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम अभी कोर करते हैं, कोर ले लेते हैं। कोर प्लेट को भी हम वैसे ही, ये फेस हमारा कैविटी से बैरिंग है, फेस बैरिंग, तो इसको हम कलर दे देते हैं ओके। इसके बाद इसमें से हम आर्टिकल पंच गाइड पिन इंटरलॉक जो जो चीजें हैं इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये चीजों को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सिलेक्ट बॉडी टारगेट, इसके बाद
1 2 3 1 2 3, फिर आर्टिकल, आर्टिकल पंच हो गया, इसके बाद इंटरलॉक, इसके बाद गाइड पिन 4, इसके बाद 6 हमारा स्लीव, और इसको करते हैं ओके। इसके बाद जब आप कोर को सिर्फ रखेंगे और देखेंगे तो आपका कोर भी रेडी हो गया। इसको पीछे से हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ओके, और इसके बाद इसका भी हम कलर कोडिंग कर देते हैं। ये हमारा आर्टिकल एरिया है, आर्टिकल एरिया को डीप गोल्ड कलर। एक कलर कोडिंग के ऊपर हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे आगे। ये हमारा आर्टिकल एरिया सब सिलेक्ट हो गया, इसको हम यहाँ पे कलर देते हैं डीप गोल्ड। इसके बाद ये हमारा पंच बैरिंग एरिया है, मूवी फोर का पंच बैरिंग एरिया, इसको हम देते हैं रेड। यहाँ पे हम रेड देते हैं। इसके बाद बोरिंग एरिया, ये हमारा बोरिंग है, गाइड पिन का और इंटरलॉक का, ये एरिया हम बोरिंग एरिया देते हैं मजेंटा कलर। और इधर स्लीव, स्लीव जो आएगा ये स्लीव, स्लीव का ये बोरिंग एरिया है, स्लीव, स्लीव एरिया भी हम मजेंटा कलर दे देते हैं। ये हमारा स्लीव जो है वो पूरा बोरिंग रहेगा, इसको भी हम मजेंटा कलर दे देते हैं ओके। अभी कुछ चीजें इसमें और बच गई है, जैसे ये एरिया को इंटरलॉक का, और इसके बाद इधर गाइड पिन का एरिया हो, इसको भी हम कलर देते हैं, ये हमारा हो गया। और इसके बाद इंटरलॉक का बोरिंग होल्डिंग, तो यहाँ पे हम एक स्केच बनाते हैं पॉइंट के लिए इसको, और यहाँ पे होल सीरीज में जाके आप यहाँ पे और इसको 10 का वोल्टिंग दे देंगे ओके। इसके बाद वापस से इसको कलर कर देंगे। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप फटाफट फटाफट क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारा ये कोर है, कोर रेडी हो गया और हमारा कैविटी भी रेडी हो गया, कोर कैविटी हमारा दोनों रेडी हो गया। अब इसमें हमारा कूलिंग, बोल्टिंग और एयरलाइन और थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें और बची हुई हैं, तो हम लास्ट के फिनिशिंग टाइम पे वो करेंगे। अभी हमारा कोर कैविटिंग ऐसे रेडी हो गया, अब बाकी का चीज़ें और हम करते हैं। जैसे हमारा ये टॉप प्लेट है, टॉप प्लेट का हम फंक्शन करते हैं, इसमें क्या क्या ऑपरेशन आने वाले हैं, इसको हम यहाँ से ऊपर से ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट ऑन कर लेते हैं, और इसके बाद ऊपर हम लॉकेटिंग रिंग और स्क्रू उसका बनाते हैं। लॉकेटिंग रिंग यहाँ पे हम देते हैं, तो यहाँ पे लॉकेटिंग रिंग हम 100 का, 120 का, 125, 160 ऐसे डायमेंट आया का हम बना सकते हैं, जो कस्टमर के हिसाब से रहेगा। कस्टमर के पास कौन सा मोल्डिंग मशीन है उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार हम यहाँ पे लॉकेटिंग रिंग का डायमीटर देंगे। अभी हम 125 रखते हैं, सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, ये हमारा बिल्कुल कोऑर्डिनेट के सेंटर में होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे हम ओके फिनिश साइड लॉकिंग रिंग का हम इधर 5 mm तक, 5 mm 6 mm आप डीप ले सकते हैं इसको, ताकि लॉकिंग रिंग हमारा इसमें बैठे। और इसके बाद ये जो 35 का है इसको हम थ्रू आउट होल कर देते हैं।
थ्रू आउट और ठीक है। और इसके बाद एक चीज और इसको बेस्ट कर देते हैं, ये हमारा प्लेट है 40 का, इसको स्प्लिट कर लेते हैं ये फेस से नीचे के फेस से 5 mm के माइनस 5, ये हमारा स्प्लिट हो गया, दो भाग में हो गया। तो इसको हम ये हाइड कर लेते हैं और इसको डिग्री दे के ये 4 का डिग्री देते हैं। और इसके बाद ये जो है इसको हम इसमें यूनाइट कर देते हैं। ये हमारा टॉप प्लेट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा टॉप प्लेट हो गया। इसको इसको भी हम कलर दे देते हैं, ये हमारा एरिया हो गया कॉर्न फ्लावर कलर। और इसके बाद ये जो एरिया हो गया हमारा मजेंटा कलर, क्योंकि ये भी हमारा फिनिश साइज रहेगा उसके हिसाब से हमारा लॉकेटिंग रिंग बनेगा बैठे। ये चीज़ हो गया। अब इसमें एक चीज़ और हम करते हैं कि ब्राइट पोस्ट जो है गाइड बुश को उसमें से हम सब्सट्रेट करते हैं, गाइड बुश और ये वेज इसको सब्सट्रेट करते हैं, गाइड बुश और सब 4 to 6 6 ओके। इसके बाद कंट्रोल भी सिर्फ हम रखते हैं इसको और इसका इसको फाइनल करते हैं, ये फिर इसको हम नीचे वाले फेस से रिप्लेस। और इसके बाद ये भी हमारा बोरिंग रहेगा, 32 का बोरिंग रहेगा, तो इसको भी बोरिंग का कलर दे देते हैं। ये हमारा हो गया बोरिंग का कलर ओके। जो यहाँ से हम अगर आप इसको चेक करेंगे तो 32 का रहेगा, 32 का बोरिंग रहेगा। और डीप जो हमारा है 12 mm रहेगा, लेकिन इसको हम टॉलरेंस 12 mm 3 mm और प्लस करते हैं ताकि हमारा टॉलरेंस बना रहे। जब हमारा गाइड बुश का कॉलर जो आएगा तो हमारा टॉलरेंस मिले उसमें। और इसके बाद एयर निकलने के लिए इसको हम यहाँ पे एक ड्रिल मार देते हैं ताकि हमारा जब गाइड पिन और गाइड बुश फोर कैविटी हमारा बंद होता है तो कुछ एयर क्रिएट होता है उसके बीच में और खाली जगह में, वो एयर निकलने के लिए यहाँ पर 8 का ड्रिल मार देते हैं तो ये हमारा एयर इधर से निकल जाएगा। और इसके बाद ये जो टॉप प्लेट है हमारा मोल्डिंग मशीन में उसके फेस से ये लगा हुआ रहेगा, तो इसके लिए यहाँ से एक स्लॉट मार देते हैं ताकि एयर इजीली निकल जाए वहाँ से। ये आप फाइनल डिजाइन में करके देंगे तो VMC मशीन से ही हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको मैनुअली करेंगे तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा, इसके लिए इसको आप फाइनल डिजाइन में ही करके रखें। तो ये हमारा हो गया टॉप प्लेट। अब एक चीज और इसमें आती है, हमें डिजाइन तो हम करते हैं, डिजाइन में हम मशीनिंग VMC मशीन का क्या ऑपरेशन है कैसे उसका प्रोसेस है उसके हिसाब से भी हम इसको देखते हैं, वो भी ध्यान देना पड़ता है ताकि उसके हिसाब से मशीनिंग हमारा इजीली हो पाए, जितना कम से कम और इजीली मशीनिंग हो जाए वो चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो जैसे अभी हमने वेज का ये स्लॉट जो है कपलिंग हमने इसमें से सब्सट्रेट किया, तो कोई भी हमारा जब कटर चलेगा तो यहाँ पे हमारा रेडियस क्रिएट होगा, उस रेडियस को रेडियस क्रिएट होगा तो जब आप वेज इसमें डालेंगे तो वेज जाएगा नहीं, तो या तो आप वेज में यहाँ पे रेडियस दीजिए और वेज में भी ये एज को रेडियस देना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे ड्रिल मार के वो रेडियस को वो हटा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप 8 का या 10 का ड्रिल मार देते हैं यहाँ पे ये चारों कॉर्नर पे ताकि हमारा यहाँ पे रेडियस लगे। आप चाहे तो यहाँ पे रेडियस देके भी और डीप जो है 22 mm, क्योंकि 20 mm स्लॉट है तो 1-2 mm प्लस ही देंगे इसमें। और इस स्लॉट 12 का ड्रिल देते हैं, ये हमारा ये ऑपरेशन होगा। अभी जब हमारा कटर चलेगा, राउंड कटर रहता है, राउंड कटर चलेगा तो यहाँ पे रेडियस क्रिएट नहीं होगा, 10 का कटर चलाएंगे तो रेडियस जनरेट नहीं होगा, तो हमें वेज में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ग्राइंडिंग साइज रहेगा, आप ये साइज बना के और ईजिली आप इसमें फिटिंग कर सकते हैं। इसको भी हम कलर कोडिंग कर देते हैं,
ये हमारा एरिया जितना भी है ये हमारा बैरिंग एरिया रहेगा, वेज फेस बैरिंग। तो इसको भी हम कॉर्न फ्लावर कलर दे देते हैं। यहाँ से हम देते हैं कॉर्न फ्लावर कलर, और इसके बाद जो ड्रिल मारे हैं उसको हम देते हैं ड्रिल को रेड कलर। ये हमारा टॉप प्लेट में हो गया। अभी टॉप प्लेट में हमारा क्या काम है, टॉप प्लेट और एक कैविटी प्लेट, इन दोनों को बोल्टिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा कैम्प्रेक आएगा चारों साइड, तो उसका ऑपरेशन हम बाद में करेंगे।